सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। सो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको अपने पीसी में सी ड्राइव पे जाना है, और सी ड्राइव पे जाने के बाद आपको सी ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। एक फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना। सो फोल्डर क्रिएट करने के बाद जिस सॉफ्टवेयर को आपने अभी डाउनलोड किया उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, या फिर आपको उस सॉफ्टवेयर को मूव कर लेना है। फिर आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। और फिर आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फोल्डर पूछा जाएगा, तो आपको सी ड्राइव पे जाना है और उसी फोल्डर को चूज करना है, ऑफिस 2024। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है एंड सारा फाइल आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दूसरा लिंक है उस लिंक पे क्लिक करना, आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक XML फाइल मिलेगा। सो आपको इस XML फाइल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस XML फाइल को आपको नोटबुक पे पेस्ट करना है। फिर आपको यहाँ से कुछ कोड डिलीट करना है। फिर आपको आना है वेबसाइट पे, और फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट की मिलेगा आपको, इस प्रोडक्ट की को आपको कॉपी कर लेना है और फिर आपको इस प्रोडक्ट की को यहाँ पे पेस्ट करना है। प्रोडक्ट की पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक करना है। फिर आपका फाइल ओपन हो जाएगा। और अगर आपका सी ड्राइव में जो आपने फोल्डर बनाया था वो फोल्डर ओपन नहीं होता है तो आपको मैन्युअली अपना वो फोल्डर ओपन करना है और उस फोल्डर के अंदर ही इस फाइल को सेव करना है। सो यहाँ पे आपको लिखना है configuration.xml। विंडोज़ के सर्च बार पे जाना है और सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट। सो आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड में आपको यहाँ पे लिखना है cd \ और फिर आपको एंटर प्रेस करना है। और फिर आपको यहाँ पे cd office 2024 लिखना है और फिर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको एक काम करना है, आपको फिर से आना है ब्राउज़र पे, यहाँ पे कॉन्सोल वाला बॉक्स है यहाँ पे, और इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। जिस कोड को आपने कॉपी किया उस कोड को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। कोड को पेस्ट करने के बाद कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करना। उसके बाद कुछ टाइम लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 का सारा सॉफ्टवेयर जो है सारा डाउनलोड होगा। सो उसमें आपका कुछ टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड कैसा रहता है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप स्टक हो जाते हो कहीं भी, बीच में आपका अगर रुक जाता है इंस्टॉलेशन, तो आपको क्या करना है, सारे टास्क को क्लोज कर देना है, फिर से रिस्टार्ट करके फिर से सेम प्रोसेस करना है। फिर आपको इंस्टॉलेशन होने के तक वेट करना है। सो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के बाद यू आर ऑल सेट करके मैसेज आएगा, आपको इसे क्लोज कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 365 का सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सो चलिए मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने आउटलुक ईमेल से साइन इन करना है। सो मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप पे पहले से साइन इन कर रखा है अपना मेल आईडी। सो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया मेरा मेल आईडी, ठीक है, तो आपको भी वैसे ही साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे आपका साइन इन कंप्लीट करने के बाद आपको अकाउंट को एक्टिवेट करना है। सो यहाँ पे आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे यहाँ पे अकाउंट का एक ऑप्शन है। सो आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको चेंज प्रोडक्ट की पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की एंटर करना है। सो उसके लिए आपको फिर से आना पड़ेगा उसी साइट पे। पहले आपने ये प्रोडक्ट की यूज़ किया था, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको और एक प्रोडक्ट की आपको मिलेगा MAK करके। सो आपको यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट की को कॉपी करना है और फिर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर एक्टिवेट ऑफिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल एक्टिवेट हो चुका है। इसी तरीके से आपको 365 के सारे सॉफ्टवेयर्स को एक्टिवेट कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो कुछ रीजंस थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, वैसे प्रॉब्लम्स हैं, देखता हूँ आगे क्या होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।